ट्रेन की हॉर्न बज रही है, सो आई विल हैव टू गो। ऑलराइट सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू ऑल आर गुड। सो सॉरी फॉर द डिले, मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव था यूट्यूब पे। रीज़न ये था, मेरे थोड़े पर्सनल इश्यूज चल रहे थे एंड मेरे पास शूट करने के लिए भी कुछ था नहीं। सो अब मैं आ गया हूँ एक बड़ा ब्लॉग लेके। ये एक बड़ा ब्लॉग होने वाला है, स्टार्ट होने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ। द टॉपिक इज़ अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं और शायान को आप जानते रहेंगे, वो छोटा बेबी जो मेरी सिस्टर का बेबी है एंड उसको चेन्नई छोड़ने जा रहा हूँ मैं। वो लोग मुंबई आए हुए थे तो अब उनको चेन्नई छोड़ने जाना है, तो मैं जा रहा हूँ उनके साथ। वो वहाँ चले जाएंगे, मेरे को वहाँ से आना है अकेले। तो मैं वहाँ से सिर्फ मुंबई नहीं आऊँगा, वहाँ से और भी जगह जाने वाला हूँ। तो ये एक बड़ा ब्लॉग बनने वाला है, इसको मैं पार्ट वाइज पोस्ट करूँगा। तो या अभी जाते, फ़िलहाल हमको जाना है चेन्नई, यहाँ से फिर स्टेशन जाना है, फिर देन वहाँ से ट्रेन से चेन्नई। तो ये एक बड़ा ब्लॉग होने वाला है एंड आई होप यू ऑल विल इन्जॉय एंड आई होप कि आप सबको मज़ा आएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि अकेले रहूँगा, शूट करने वाला कोई रहेगा नहीं, अपने से ही सिनेमेटिक सीन्स रहूँगा, जो होगा वो देखा जाएगा। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल निकलते हैं। इस द आउटफिट, ये आउटफिट मेरा फेवरेट आउटफिट है, एज अ लकी आउटफिट भी बोल सकते हो। मैंने लास्ट ब्लॉग भी यही आउटफिट में धारा था, मैं जब मैच देखने गया था। ये कलर मेरे लिए लकी कलर है, रेड कलर मेरा फेवरेट है। तो अभी बहुत बातें हो गई, निकलते हैं एंड लेट सी। थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि अकेले ट्रैवल करना है, जाने के लिए नहीं, आने के लिए अकेले करना है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ रहेगा मेरी लाइफ का। तो एक्सपीरियंस करते हैं उसको भी, तो उसका पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि साउथ जाना है, महाराष्ट्र से साउथ। सो देखते क्या होता है क्या नहीं, हमें तो बस घूमना है। सो लेट्स गो, चलते निकलते। राइट सो गाइस, हम लोगों को छोड़ने आया है, ट्रेन का नंबर भी मिल गया है, 12163B3 कोच है बोगी नंबर। अभी देखते हैं ट्रेन का, वेट करते हैं। बारिश है फिर भी इतनी गर्मी हो रही है। ए, बोल दिया चेन्नई एक्सप्रेस बंद कर दे। ऑलराइट सो गाइस, अभी ट्रेन में बैठ गए हम लोग, ट्रेन छूट गई है। लेट सी, सीट्स वगैरह भी एडजस्ट हो गया है। यस, देखते हैं कैसा रहता है अभी जर्नी आगे। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, देखते हैं आगे। फिलहाल ट्रेन चल रही है। ऑलराइट सो गाइस, राइट नाउ वी आर इन लोनावला स्टेशन। यहाँ का वेदर अभी से ठंडा है।
ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ वी आर इन कृष्णा स्टेशन एंड अभी सुबह हुई है। ब्रश वगैरह फ्रेश करके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है सिनेमेटिक सीन लेके। सो या हाफ जर्नी कंप्लीट कर ली हम लोग ने और ट्रेन की हॉर्न बज रही है, सो आई विल हैव टू गो। ऑलराइट सो राइट नाउ वी आर इन रेनी गुंडा स्टेशन, ऐसे कुछ है। तो आ गए, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए और क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ व्यू। आई मीन बहुत क्लीन है यहाँ पे एज कम्पेयर टू मुंबई। चल राइट सो गाइस, अभी एक स्टेशन बाकी है, हम लोग सब सामान अरेंज कर लिए है एंड अभी उतरेंगे तो देखते हैं। राइट सो गाइस, अभी हम लोग चेन्नई स्टेशन पे पहुंच गए हैं एंड यहाँ सब लगेज वगैरह है एंड अभी जीजू आएंगे पिक करने और यहाँ पे मास्क कंपलसरी है, मुंबई में नहीं था तो। हाँ ये गाड़ी ऐसे जाएगी तो पीछे का व्यू मैं दिखाता हूँ। सो या अभी जाते देखते। ऑलराइट सो गाइस, अभी मैं स्टेशन के बाहर आया हूँ व्यू दिखाने। मैं इसका सिनेमैटिक शॉट लेके बताता हूँ। मेरा बैग रखू क्या पीछे? ऑलराइट सो गाइस, कल रात को बहुत लेट आए हम लोग घर पे एंड सो गया था घर पे आके मैं। सो अभी सुबह हुई है एंड चाय वगैरह पी के बाहर आया हूँ मैं, शूट करना है रील वगैरह उसका, जगह होगा देखने बाहर आया। सो अभी ढूंढते कोई जगह, फिलहाल उतनी धूप नहीं आई है, सुबह का टाइम है इसलिए दोपहर तक धूप आएगी। और ये मेरा डे टू है, कल आया था मैं। सो यस देखते एंड रूम टूर मैं दूंगा अभी जो रूम में मैं रह रहा हूँ वो। तो यस ऑलराइट सो गाइस, ये हॉल है
पूरा एक रूम है, ये सामान रखा हुआ है एंड ये किचन है, गैस, पानी, बॉटल, सोकेस, केस वगैरह है, सब है। इधर भी सोकेस है, इधर भी सोकेस है, इधर भी है एंड इधर भी है, कचरे का डब्बा है, यहाँ पे गदी है और यहाँ पे वॉश बेसिन है एंड यहाँ पे एक मिरर है एंड ये बाथरूम है, बाथरूम है और ये बेडरूम है, यहाँ बेड नहीं है लेकिन बेड आ जाएगा। और ये यहाँ पे भी एक शोकेस है, एक मिनट, या तो ये पूरा एक रूम है, तो यहाँ रह रहा हूँ मैं। डर गया। ऑल राइट सो गाइस, चेन्नई में मेरा डे टू है एंड यहाँ पे मैं बाहर रील बनाने आया था तो यहाँ पे कुछ बंदर मेरे को दिखे हैं, मेरे सामने से एक गया इतना बड़ा, अभी सामने बैठे हैं, मैं बैक कैमरा फ्लिप करके बताता हूँ जूम करके। आ रहा है, एक मिनट एक मिनट। ये देखो गाइस, ये देखो जा रहा है और ऊपर दो जन बैठे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, मैं आगे नहीं आऊँगा, मेरे को डर लग रहा है। और यहाँ के लोगों को शायद आदत सी पड़ गई है बंदरों की, क्योंकि उन लोगों को देखे ये लोग कुछ बोल नहीं रहे। भाई बिंदास घुस रहे घर पे, ये लोग बिंदास घुस रहे, बिंदास लोग घर पे घुस जा रहे भाई, बिंदास। बड़े बड़े बंदर है, छोटे छोटे बंदर भी नहीं है। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं, मतलब जहाँ मैं रुक रहा हूँ वहाँ पे तो नहीं है बंदर, यहाँ पे भाई चार पांच लोगों की गैंग है। एक तो बैठा ही उधर, एक बैठा है अभी, उसके पास जाऊंगा तो शायद से कूद उद सकता है। देखते थोड़ा क्लोज से कैप्चर करने की कोशिश करते। राइट सो गाइस, अभी शाम हो गई है एंड यहाँ पे शायद मेरा ये लास्ट नाइट है, कल रात को मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो अभी जो है यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने हम लोग आए हैं, तो अगर कुछ अच्छा दिखा तो मैं दिखाता हूँ। तो अभी आगे तो सब भीड़ दिख रहा है, देखते आगे कुछ रहेगा तो मैं दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके। यहाँ पे ज़्यादातर अगर नाश्ता वगैरह खाना है तो बाहर सिर्फ इडली डोसा। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर नाश्ता वगैरह कुछ खाना है तो यहाँ पे मोस्टली मसाला डोसा वगैरह ही मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो मसाला डोसा यही मोस्टली यहाँ पे है। और एकदम आगे गए थे हम लोग तो वहाँ पे एक पानी पूरी वाला मिला था, वहाँ पे पानी पूरी खा के हम लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे। और पानी पूरी वाला क्लिप मैंने इसलिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि उसको मेरी लैंग्वेज नहीं बताती, एंड देन बाद में जब पूछा तो वो समझ गया कि हाँ पानी पूरी खाना है, एंड देन हम लोग ने खाया और अभी खा के हम लोग घूम रहे। सो या ऑलराइट, तो जैसा मैंने बोला था डोसा ही डोसा, इधर भी एक डोसा। ऑलराइट सो गाइस, हम लोग मार्केट में घूम रहे थे तो यहाँ पे एक दरगाह दिखी है, तो हम लोग सोचे जाके आते अंदर, तो देखते अंदर जाके आते, तो जाते। ऑलराइट सो गाइस, दरगाह से निकल गए, दरगाह में मैं ज़्यादा शूट नहीं किया, नहीं करना चाहिए। सो यस, अभी देखते क्या देखने को मिलता है।
कैच चेन्नई। अच्छा ठीक है, बॉम्बे जा रहे हैं।